हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वेलकम करो समर सीजन का। गर्मियाँ आ चुकी हैं और इसमें स्किन केयर करना हो जाएगा और भी ज़्यादा मुश्किल, बिकॉज सबसे ज़्यादा समर सीजन की प्रॉब्लम होती है स्किन टैनिंग की। ये आज का वीडियो है हाउ टू बीट द प्रिकी हीट इन समर्स। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑल अबाउट सनस्क्रीन, टैनिंग एंड हाउ टू कीप योर स्किन हाइड्रेटेड एंड कूल इन समर्स। सो समर्स में आपके पास कोई स्किन केयर प्रोडक्ट हो या नहीं हो, लेकिन आपको एक फेस सनस्क्रीन और एक सनस्क्रीन लोशन ज़रूर बाय करना चाहिए, बिकॉज प्रॉब्लम होती है टैनिंग की समर्स में, जो कि सन से होती है यूवी रेज, एंड उससे और भी ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, लाइक पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, रिंकल्स वगैरह भी हो जाते हैं। तो बात करते हैं सनस्क्रीन के बारे में, तो सनस्क्रीन हमें चूज़ करना चाहिए अपने स्किन टाइप अकॉर्डिंग। ऑयली, एक्ने प्रोन और ड्राई स्किन, जैसी आपके स्किन टाइप हो उसके अकॉर्डिंग आप सनस्क्रीन यूज़ करो। आपको हाईली रिकमेंड करूँगी वो सनस्क्रीन जो मैं अभी करंटली यूज़ कर रही हूँ, वो है फ्रॉम पाया सन डिफेंस एंड डेली मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन विथ SPF 30। तो ये वाला सनस्क्रीन रिकमेंड करूँगी मैं क्योंकि ऑयली स्किन है और एक्ने प्रोन स्किन है, उसके लिए बहुत अच्छा है। बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है इसका, स्किन हाइड्रेट रखता है और मींस चिपचिपा भी नहीं है, एंड बहुत ही वेटलेस फील आती है आपको उसको यूज़ करने के बाद। और जैसे मैं इसको यूज़ करूँ, मैं कोई मेकअप नहीं करती, मैं मॉइस्चराइजर लगाती हूँ उसके बाद इसको अप्लाई करती हूँ एंड डन। उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत पड़ती, क्योंकि थोड़ा फेयर लगता है इससे स्किन, और स्किन टोन फेयर लगती है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और ऑयली नहीं है, चिपचिपा नहीं लगता, ऑयल नहीं आने देता फेस पे बिल्कुल भी, और बहुत ही अच्छा है। बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसका प्राइस है 870 रुपीज़ ऑन द क्रेम पेरिया। बट आप नायका और अमेजोन पे ट्राई कर सकते हो, ऑफर में मिल सकता है। तो मुझे, मैंने नायका से बाई किया था तो मुझे 650 में मिल गया था। 75 ml की क्वांटिटी है इसकी, अच्छी खासी क्वांटिटी है। और अब देख लो, ये ट्यूब मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये सनस्क्रीन। अगर आपकी ऑयली स्किन है और एक्ने है आपके फेस पर और आपको बिल्कुल लाइट वेट सनस्क्रीन चाहिए, तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो ये वाला सनस्क्रीन। सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास इलेक्ट्रोकैलामाइन का ये सन शील्ड विद SPF 50। वो SPF 35 था, वो आप यूज़ कर सकते हो एट होम, बाहर भी यूज़ कर सकते हो, अब 30 है। बट जितना SPF इंक्रीज होता है आप उतने ही टाइम के लिए ड्यूरेशन बढ़ जाती है उसकी प्रोटेक्शन की। तो ये SPF 50 है उस, तो काफ़ी देर तक आपको प्रोटेक्शन देगा ये, एंड नॉन स्टिकी है। पर इसको मैं रिकमेंड करूँगी आप मॉइस्चराइजर के बाद ही लगाओ, क्योंकि काफ़ी ड्राई फॉर्मूला है इसका। एंड पाया स्किन वाले आप सेंसिटिव स्किन है जिनकी, वो भी यूज़ कर सकते हो, वो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। और ये वाला ऑल स्किन टाइप है, नॉर्मल स्किन के लिए है, और इसका प्राइस ओनली 199 रुपीज़। तो ये क्वाइट अफोर्डेबल है, तो आप अफोर्डेबल रेंज में चाहिए तो आप इलेक्ट्रोकैलामाइन का यूज़ कर सकते हो। एंड नाउ बात आती है कि हमें किस तरीके से यूज़ करना चाहिए सनस्क्रीन को। बाहर निकलने से 20 मिनट्स पहले हम सनस्क्रीन लगाना चाहिए, और उसके एंड आप री अप्लाई कर सकते हो आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद आपको री अप्लाई करना है अगर आप बाहर हो तो। तो इस तरीके से यूज़ करते हैं सनस्क्रीन। एंड अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो आप उससे पहले मॉइस्चराइजर यूज़ कर लो, आपकी ऑयली है तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, या फिर आप उससे पहले एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो। एलोवेरा अप्लाई करने के बाद एंड देन आप सनस्क्रीन लगाओ, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो और भी अच्छे से प्रोटेक्ट होगा, कूल रखेगा आपकी स्किन को एलोवेरा। अब आती है बात टैनिंग की, तो कितने भी कोई भी चीज़ है वो गारंटी के साथ नहीं होती है, तो इसी तरीके से सनस्क्रीन भी नहीं है, तो 100% प्रोटेक्शन वो आपकी नहीं कर सकता, थोड़ी बहुत टैनिंग हो जाती है। तो उसके लिए मेरे पास एक कमाल का ऑप्शन है, वो है व्हील से सीखा ये एंटी टैन स्किन वाइटनिंग फेस वॉश, मलबेरी एक्सट्रैक्ट के साथ है, और तो बेसिकली फेस वॉश है। तो ज़्यादा रहते हो अंडर द सन तो आपको इस टाइप का फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, और ये है VLCC का एंटी टैन फेस वॉश। तो अगर आपको टैनिंग हो रही है, होती ही है, बाहर जाते हो तो टैनिंग होती है, तो एंड इसका फॉर्मूला थोड़ा सा स्क्रबी है, तो फेस वॉश है विद स्क्रब, एंड इस तरीके का इसका टेक्स्चर है।
सो टेनिंग रिमूव करेगा अच्छे से और डेड स्किन सेल्स भी निकाल देगा साथ के साथ, क्योंकि थोड़ा स्क्रब भी है इसके अंदर। सो रियल सीसी का ये है और इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, 150 ग्राम्स का है और इसका प्राइस है क्वाइट अफोर्डेबल, इट्स ओनली 200 रुपीज़ में इतनी अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है आपको। तो अगर आपको टैनिंग हो चुकी है या आप डेली बाहर जाते हो एंड सनस्क्रीन लगाने के बाद भी थोड़ी बहुत टैनिंग हो जाती है और उसको रिमूव करना चाहती हूँ, तो VLCC का ये फेस वॉश ट्राई करो। देयर हाइट हाउ टू अप्लाई द सनस्क्रीन इन अ राइट वे, ये एक सही तरीके से सनस्क्रीन को अप्लाई करने का एक तरीका होता है, वो आप ऐसे ऐसे करके ऐसे रगड़ रगड़ के नहीं लगाना चाहिए, इसमें ऐसे फिंगर्स पे आप सनस्क्रीन को ले लो एंड देन डैप डैप करके एंड आपको एक शीट बनानी होती है क्योंकि आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको एक शीट लेयर बनानी है अपनी स्किन के ऊपर। इस तरीके से आपको सनस्क्रीन को अप्लाई करना, ऐसे मॉइस्चर तरीका है समर्स में स्किन केयर करने का, वो एलोवेरा से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। एलोवेरा जेल एंड पूरी बॉडी पे लगा सकते हो, फेस पैक में इंक्लूड कर सकते हो, बॉडी लोशन में इंक्लूड कर सकते हो एंड हेयर मास्क बना सकते हो। सो एलोवेरा इज बून टू आर स्किन एंड एलोवेरा जेल में आप सनस्क्रीन के पहले यूज कर सकते हो, राइट। समर्स में आपको काफी कूल रखता है एलोवेरा जेल एंड कुछ भी आप बॉडी लोशन वगैरह लगा रहे हो या फेस पैक लगा रहे हो या सनस्क्रीन अप्लाई करो मेकअप करने से पहले, तो आप एलोवेरा जेल डेफिनेटली अप्लाई करो। हाइड्रेट रखता है एंड कूल रखता है तो एलोवेरा जेल इज बेस्ट। एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है मेरे पास जो कि समर्स में आपको सबको यूज़ करना चाहिए और मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, वो है सुथॉल का ये लिक्विड एंड सुथॉल इसमें स्प्रे बॉटल भी आता है और सुथॉल ये बोरोलिन्स का एंटीसेप्टिक लिक्विड है जो कि आपके कट्स हो जाते हैं, रैश हो जाते हैं एंड सब ने आपको बताई चीज़ें जिससे रैशेज हो जाते हैं गर्मी से, सनबर्न हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, तो उसके लिए ये परफेक्ट है। एंड इसमें दो आते हैं, सुथॉल फ्रेश एंड चंदन का आता है एंड इसमें स्प्रे बॉटल भी आता है और इसका जेल भी आता है, क्योंकि आपको इचिंग हो रही है गर्मी से, कहीं अंडर आर्म्स एरिया पर बहुत सेंसिटिव होता है, स्वेटिंग वगैरह से इचिंग हो जाती है, रैश हो जाती है, अंडर आर्म्स पे यूज़ कर सकते हो। सो आप इसको लोशन की जगह भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप बाहर जा रहे हो तो आप इसका स्प्रे बॉटल हो अच्छे से स्प्रे करो स्किन पे जो कि अनकवर्ड एरियाज हैं, तो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो कि आप पहले ही प्रोटेक्ट करके चलो अपनी स्किन को। तो मैं ये अपने पर्स में हमेशा रखती हूँ और इसका स्प्रे बॉटल वर्जन मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है और मेरा इसके बिना काम ही नहीं चलता एक्चुअली, क्योंकि मुझे हैंड्स पर बहुत जल्दी रेडनेस हो जाती है गर्मी के कारण, बहुत इचिंग वगैरह हो जाती है अगर मैं बाहर जाती हूँ तो एंड प्रोडक्ट के ऊपर एक मेरा वीडियो है उसमें डिटेल रिव्यू किया मैंने सुथॉल पे कि इसके क्या और फ़ायदे हो सकते हैं, तो आप वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो जाके जरूर चेकआउट करो। तो गाइज जो मेरे पास सनस्क्रीन थे जो मैंने यूज़ किए उसका रिव्यू मैंने आपको कर दिया है, काया का और लैक्टोकैलामाइन का, उसके अलावा बायोटिक का ले सकते हैं, ड्रामाको का ले सकते हैं और अम का यूज़ कर सकते हो, तो ये दो तीन ब्रांड्स हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, आप ये भी ट्राई कर सकते हो। तो फाइनली मैं ये कहना चाहती हूँ, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई सनस्क्रीन लोशन इन समर्स बिकॉज सारी प्रॉब्लम्स स्किन की वहीं से शुरू होती हैं एंड उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप घर से बाहर जा रहे हो या घर में हो, आपको सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है। सो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर दिस काइंड ऑफ वीडियोस एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई लव यू, टेक केयर, बाय बाय।